सैफ अली खान ने अपनी प्रॉपर्टी दी रेंट पर। जी हाँ, उनका जो पैलेस पटौदी पैलेस है उसको सैफ ने रेंट पर दिया है। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए सैफ ने ये कदम उठाया है। सैफ कहते हैं कि वैसे तो पटौदी पैलेस जो है उससे उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसी पैलेस को लेकर कुछ समय पहले खबरें आई थी कि कैसे सैफ ने इस प्रॉपर्टी को फिर से छुड़वाया था एक बड़ा अमाउंट देकर। पहले ये प्रॉपर्टी होटल के रूप में चल रही थी, लेकिन इतने समय में सैफ अली खान ने पैसा इकट्ठा किया और उतना पैसा उन्होंने कमा लिया कि वो इस प्रॉपर्टी को छुड़वा पाए। अब ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सैफ अली खान की है, जहाँ पर सैफ अपनी फैमिली के साथ अक्सर छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। आलीशान पैलेस है ये। इसके साथ ही इसी प्रॉपर्टी के अंदर सैफ के पिता और उनके ग्रैंडफादर को बरी किया गया है, इसीलिए सैफ अली खान के लिए जगह बहुत इमोशनल है। वो वैसे इस जगह को शूटिंग के लिए नहीं देते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सैफ अली खान की प्रॉपर्टी पर शूटिंग हो रही है। इससे पहले भी सैफ के पटौदी पैलेस पर शूटिंग्स हो चुकी है। फिल्म वीर ज़ारा की शूटिंग भी वहीं हुई थी और अब सैफ अली खान की तांडव फिल्म जो है इसकी शूटिंग इस प्रॉपर्टी पर हुई है। इसी बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा है कि प्रॉपर्टी के बाहर के एरियाज में अगर शूट होती है तो उन्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो पैलेस के अंदर शूटिंग के लिए रेंट पर देने से घबराते हैं, क्योंकि जो चीजें उसके अंदर है वो सालों से सेंचुरीज से वहां पर है। इसीलिए उन चीजों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सैफ इस बात से डरते हैं। इसीलिए अपनी इस प्रॉपर्टी का इंटीरियर हिस्सा, पैलेस के अंदर का हिस्सा वो शूट के लिए कम ही देते हैं। तांडव के लिए उन्होंने अपने पैलेस का इंटीरियर हिस्सा भी यूज किया है। आपको बता दें कि तांडव जल्द ही रिलीज होगी। इसके ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।